हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू अनदर वीडियो। तो आज की जो वीडियो होने वाली है बहुत ही मजेदार होने वाली है। यूट्यूब वर्सेस टिकटॉक। टिकटॉक के एक लड़के ने यूट्यूबर्स का रोस्ट किया था, जिस वजह से डकी बाय ने जो उसके ऊपर रोस्ट बनाया है, तो आज बहुत मजा आने वाला है। अगर वीडियो पसंद आती है लाइक कर देना, चैनल को कर लेना सब्सक्राइब, ताकि आप लोगों को कैरी मिराठी और ओसमो के जो रोस्ट किया है जो टिकटॉकर के ऊपर, वो भी आपको मिल सके। तो चलते हैं हम इस टाइम इस रिएक्शन वीडियो की तरफ। हम चाहे तो बहुत कुछ कर सकते हैं आपके चैनल के साथ और बहुत कुछ भी कर सकते हैं। अबे साले। Hey guys, डेली अपलोडर मनी हाइस्ट प्रोफेसर हियर। तो यार, आई वाज बिजी विद सम पबजी मोबाइल एंड GTA 5 वीडियोस, तो वहां पे मुझे थोड़ा टाइम लग गया, थोड़ा सा, लेकिन टेंशन नहीं है भाई, आई एम बैक। तो जिन लोगों को नहीं पता, आजकल एक फड्डा चल रहा है यूट्यूब वर्सेस टिकटॉक। तो हुआ कुछ यूं कि, जैसा कि हम लोगों को पता है कि मोस्टली चुटियापा इंटरनेट का टिकटॉक से ही निकलता है। तो अब जाहिर, अगर कोई यूट्यूबर को कोई चुटियापा दिखता है तो वो एज अ शुगल फन वीडियो बनाएगा। लेकिन एक भाई साहब टिकटॉक से आए जिन पे आज तक शायद किसी ने वीडियो नहीं बनाई होनी। वो भाई साहब IG अपनी छाती फाड़ के रिंग लाइट लेके पूरे यूट्यूब को रोस्ट करने, पूरे यूट्यूब जितने टिकटॉकर जिनके चुटियापे की वजह से वो रोस्ट हुए थे उनको डिफेंड करने ये भाई साहब युगांडा से तशरीफ लाए। तो इस टिकटॉकर्स के मामू ने कुछ बातें कही हैं यूट्यूब के हवाले से, तो देखते हैं क्या फिलोसफी झाड़ी है इन भाई साहब ने। What's up everybody? That's your boy Amir Siddiqui, live all the way from Mumbai. तो Amir Siddiqui, live to Mumbai. ऐसे गेटअप में क्यों बैठा हूँ? तो गाइज यार, मैं आपको बताना चाहता हूँ, पिछले 2-3 घंटों से मैं वो सारे यूट्यूबर्स की वीडियो देख रहा हूँ जो हमारी कम्युनिटी वाले लोग के बारे में बात कर रहे हैं, जो कि है टिकटॉक कम्युनिटी। तो गाइज, मैं अब भी आया हूँ अपने टिरेक्टर को पार्क करके अपने फिलॉट पे। तो गाइज, मैं आपको ये बताना चाहता हूँ कि ये जितने भी यूट्यूबर्स है इनके कंटेंट एकदम ढांसू है, कतई जहर कंटेंट बनाते हैं यार इन लोग। बट इनकी कुछ वाहियात बातें और इनकी कुछ वाहियात सोच है ना, मेरे को बिल्कुल पसंद नहीं आई, तो उसके बारे में हम बात करेंगे। तो आइए शुरू करते हैं। मतलब भाई साहब पूरे यूट्यूब की गांड मारने आए हैं रिंग लाइट लेके, और उनसे अपना दुपट्टा रुमाल नहीं संभाला जा रहा, बल्कि यार मेरा दुपट्टा का है, मेरा दुपट्टा का है। तो पहला पॉइंट है कंटेंट। आप लोग हमारी कम्युनिटी वाले लोग के कंटेंट को बोलते हो क्रिंज। यार हर कोई क्रिंज कंटेंट नहीं बनाता है, कुछ लोग होते हैं जो क्रिंज कंटेंट बनाते हैं, मैं भी मानता हूँ ये बात। क्या कुछ लोग होते हैं जो क्रिंज कंटेंट बनाते हैं? कुछ कंटेंट कुछ लोग। अबे तुम लोग जरा फॉर यू पेज खोल के देखना अपने टिकटॉक का, तुम लोग को या तो मोलार का युगांडा मिलेगा, या तुम लोग को देख हालत मेरी मिलेगा, या फिर मिलेगा या तो चिकन लेग पीस। चिकन लेग पीस नजर आएगा। तो भाई कुछ लोग नहीं, 90% क्रिंज और चुटियापा ही बनाते हैं, और ये फैक्ट है। तो भाई अपने फैक्ट सीधे कर लो। कुछ लोग होते हैं जो अच्छा कंटेंट बनाते हैं, मैं भी मानता हूँ ये बात। और जैसे कि फिलहाल मेरे को लगा कि आपका कंटेंट बहुत क्रिंज है, क्योंकि आप हमारे ही वीडियोस लेके हमारे ही वीडियोस से व्यूज ला रहे हो, पैसे कमा रहे हो, हमारे ही कंटेंट को क्रिंज बोल रहे हो। तो आपका कंटेंट तो क्रिंज x100 हो गया। इसलिए कहते हैं भाई, बने बनाए जोक्स पे लिप सिंक की जगह कुछ अपना बना लिया कर पुत्र। और गाइस, सेकंड पॉइंट है सीसी। सीसी तो आप लोग समझ ही गए रहेंगे मेरे भाई लोग, क्रेडिट कार्ड और कंटेंट कॉपीराइट से बच के रहना चाहिए यार। मेरे से अच्छा तो आप लोग जानते रहेंगे, आप लोग ही हमारे कंटेंट को एक्सप्लॉइट करके इतने प्यारे तरीके से यूज करते हो यार। टिकटॉकर्स आपको प्राउड होना चाहिए कि आप लोग का कंटेंट यूज करके इनको व्यूज आ रहे हैं और इन लोग पैसे कमा रहे हैं। प्राउड टिकटॉकर, यू शुड फील प्राउड पैंट प्राउड। गाइस, शायद हमारी कम्युनिटी वाले लोग को कंटेंट कॉपीराइट के बारे में नहीं पता रहेगा, लेकिन मेरे को अच्छे से पता है और आप लोगों को भी अच्छे से पता है। हम चाहे तो बहुत कुछ कर सकते हैं आपके न्यू यूट्यूबर्स आ गए। अबे चोटी फेल, मतलब बने बनाए गानों पे लिप सिंक करके, बने बनाए म्यूजिक पे मुजरा करके कहते हो तुम लोगों का ओरिजिनल कंटेंट है। वाओ वाओ ऊपर से एक ही डायलॉग पे कोई 10,000 बंदा लिपसिंग करता है। अबे साले, थोड़ी सेंस बना लिया करो, कोई स्क्रिप्ट लिख लिया करो वीडियो बनाने से पहले, थोड़ा सोच लिया करो कि बोल क्या रहे हो। मतलब तुम लोगों के रिक्रिएटेड कॉपीड कंटेंट पे कोई यूट्यूबर वीडियो बनाएगा तो उसके वीडियो कॉपीराइट क्लेम होनी चाहिए। वाह भाई, एक चीज है कि टिकटॉक पे मोस्टली चुटियापा ही प्रमोट होता है, ये बात तो तुम लोग मानते हो, ये बात टिकटॉकर्स भी मानते हैं। इसलिए टिकटॉकर्स भी मजबूर हैं मोस्टली मतलब मोलार का करने में, क्योंकि उनको पता है उस पे व्यूज आने हैं। उन्होंने मतलब अगर कोई डिसेंट, कोई लॉजिकल या कोई एक्चुअली फनी चीज बना दी तो वो इतना लोग नहीं देखेंगे। तो ये जो आप बात कर रहे हो ना अच्छे कंटेंट क्रिएटर्स की, उनके लिए जगह ही नहीं है, और ये आप लोगों की ही गलती है। तो जब ये यूट्यूबर वर्सेस टिकटॉक वाला फटा शुरू हुआ ना, तो हमारे महान प्रीशियस टैलेंटेड ऑस्कर विनिंग जोकर भाई साहब ने अपनी तशरीफ पेश करने का फैसला लिया और कहा, बात रही यूट्यूबर्स की तो तुम लोग यूट्यूबर्स में तो कतई नहीं आते हो यार, ठीक है, थूक भी नहीं निकल रहा है, समझ रहे हो।
जिन लोगों को नहीं पता, जब मैंने जोकर पे वीडियो बनाई थी ना, जिसपे बड़े दबा के व्यूज आए थे, उसके बाद जोकर भाई साहब ने मेरी वीडियो के नीचे कमेंट किया, जिससे मेरे दिल में उसके लिए प्यार मोहब्बत शियारी जाग गई थी। मैंने उसको अपना दिल दिया, वही तुझे मैंने अपना भाई समझा, और तूने भाई के ऊपर ऐसा हरकत, दिल तोड़ दिया भाई का, मेरे प्यार का ये सिला दिया भाई। तेरे से इंस्पायर होके मैंने जोकर वाला मुंह तक बना डाला। भी नहीं निकल रहा है, समझ रहे हो? अबे लोगा मेरा पैंच, पुट पुट निकल, पहली फुसरत में निकल, आ जाते हैं मुंह चुक के। अबे तेरी बांदर वाली शक्लें बनाने वाले कंटेंट की जगह कोई दूसरा कंटेंट लेके आना कि नहीं लेके आना, बातें देखो पैंस की दुम। और क्या कहता है भाई, थूक भी निकल रहा है। अबे साले जा, कुल्ला कुल्ला करके आ भाई, श्वास ना करता था, फट। वो किधर है यार, अपना चौथी फेल को लाओ यार। आप लोग की कम्युनिटी मैंने देखा है कि आपस में बिल्कुल नहीं बनती है, बहुत झगड़े करते हो यार तुम लोग। अगर तुमने कोई कंटेंट बना दिया तो सारे यूट्यूबर्स कम्युनिटी सब वही कंटेंट कॉपी करने लग जाते हैं, वही बातें होती है। भाई बहन के वीडियो तो सब भाई बहन के वीडियोस बनाएंगे, गोल्ड डिगर की वीडियो तो सारे गोल्ड डिगर्स के वीडियो बनाएंगे। अब यही बात मैं तुमको एक लाफा मारूंगा और बताऊंगा हमारी कम्युनिटी की बात। तो हम जो टिकटॉकर्स की कम्युनिटी है ना, अगर कोई एक ट्रेंड आता है ना, हम लोग अगर कॉपी भी करते हैं ना, तो हम लोग कभी किसी को उल्टा सीधा नहीं बोलते, आईबी दे देते, आईबी दे देते, सपोर्ट करते एक दूसरे को। मैं तुम लोगों को ये पहले ही बता दूं, ये जो बैकग्राउंड पे मोटिवेशनल म्यूजिक लगाया ना, ये मैंने नहीं लगाया। अभी तू रोस्ट कर रहा है या मुल्क फतह कर रहा है? और भाई साहब का कहना है कि जब हम लोग दूसरों का कंटेंट कॉपी करते हैं तो हम लोग उनको सपोर्ट करते हैं, प्यार करते हैं, चुम्मी देते हैं। तो जिन लोगों को नहीं पता, मेरी पबजी मोबाइल वीडियोस पे कोई 10,000 लोगों ने लिप सिंक बनाई होनी है, और वो भी कोई छोटे टिकटॉकर्स नहीं, बड़े, मतलब लाइक अबव मिलियन, 4 मिलियन। रोज हॉक आया, रोज हॉक बोला बे, रूज रूज यार, क्या जाहिल पेडी आवाम में जुड़ गई मुझे आज। अबे रूज हॉक ही है क्या नाम है इसका? रोज हॉक एक ही चीज है भाई, रखा हुई जा रहा है कब से। और मुझे आज तक कोई उसका क्रेडिट व्रेडिट नहीं मिला, और मुझे चाहिए भी नहीं है, मुझे कोई मसला ही नहीं है भाई, बल्कि मुझे उल्टा खुशी होती है। मैं जनरली बता रहा हूँ, लाइक जोक्स साइड, मुझे बहुत खुशी होती है जब कोई टिकटॉकर बनाते हैं मेरी पबजी मोबाइल वीडियोस पे, या मतलब मेन चैनल वीडियोस पे भी अक्सर बनती रहती हैं, मुझे दिल से बड़ी खुशी होती है। और मैं चाहता हूँ कि तुम लोग बनाओ, मैं शेयर भी मारूंगा इंस्टाग्राम पे, लेकिन पुत्र ये जो फिलोसफियां झा रहा है ना, ये अपने पास ही रख। मैं जितने लोग यूट्यूबर्स है जो तुमको ट्रोल करते हैं, रोस्ट करते हैं, तो मैं उनको बोलूंगा कि भाई हम लोग महीने के 3 कंटेंट नहीं बनाते, हम लोग दिन के 3 या 4 या 10 कंटेंट बना के पोस्ट करते हैं। हक दिया, हक दिया, अब तक तो मुझे लगा सिर्फ पाद रहा है, लेकिन ना भाई, हक दिया। ओ पुत्र, जो दिन की 5 वीडियोस की जिसकी तू बात कर रहा है ना भाई, वो 15 सेकंड में एक बन जाती है। कोई एडिटिंग नहीं, कोई स्क्रिप्टिंग नहीं, कोई क्रिएटिविटी नहीं, सोचना भी नहीं पड़ता पैस की। तुम जो देखा मुलार का ट्रेंड पे चल रहा है, उसी पे लिपसिंग बना के पेल दो भाई, और कंपेयर कर रहे हैं भाई साहब टिकटॉक वीडियोस को यूट्यूब से। एक और चीज जो मैं मेंशन करना चाहूंगा कि ये जो टिकटॉक के व्यूज होते हैं, ये आपकी वीडियो फॉर यू पेज पे शो होगी, ट्रेंडिंग पे शो होगी, आपका व्यू काउंट हो जाता है। ऐसा नहीं है कि आपको वीडियो खोलनी पड़ती है, फिर वो लोड होगी, फिर आप कुछ सेकंड देखोगे, तब जाके जो है आपका व्यू काउंट होगा ना। आपको वीडियो शो होगी, आपने स्वाइप अप कर दिया, मतलब आपने स्वाइप कर दिया अगली वीडियो देखने के लिए, लेकिन पिछली वीडियो आपने पूरी भी नहीं देखी, आपका व्यू काउंट हो जाएगा, उस पे एक व्यू एड हो जाएगा। जबकि यूट्यूब पे ऐसा नहीं है, यूट्यूब पे आपको वीडियो शो होगी, आपको उसका टाइटल शो होगा, आपको उसका थंबनेल शो होगा, आप डिसाइड करोगे कि आपने वीडियो खोलनी है या नहीं खोलनी, ठीक है। अगर आप वीडियो खोलोगे उसके भी कुछ सेकंड के बाद जाके जो है आपका व्यू काउंट होगा। ऐसा नहीं है कि आप एक यूट्यूब वीडियो को बार बार रिफ्रेश करते जाओगे तो वो जो व्यूज हैं वो प्लस होते जाएंगे, तो देयर इज अ डिफरेंस। और ये जो आप कह रहे हो कि आप दिन की 5 वीडियोस बनाते हो, तो आप एक काम करो, आप यूट्यूब पे आओ, मुझे दिन की 5 वीडियोस बना के दो। दिन की 5 वीडियोस चाहिए, और वो यूट्यूब का कंटेंट होना चाहिए, ये नहीं के करके 15 सेकंड की वीडियो अपलोड नहीं करनी, पूरे कम से कम 5 से 10 मिनट की सेंस वाली वीडियो दिन की 5 बना दो आप मुझे यूट्यूब पे, ठीक है। मैं आपको भाई देने आ जाऊंगा आपके घर। एक्चुअली यार सारे टिकटॉकर्स को यूट्यूब पे आ जाना चाहिए, और इनसे अच्छा अच्छा कंटेंट पोस्ट करके ना इनको बताना चाहिए, इनको उधर से भी खत्म कर देना चाहिए, ऐसे लोग को ऐसे मारना चाहिए। पैसे के पीछे और व्यूज के पीछे तुम भागते हो, हम लोग नहीं भागते, हम लोग भागते हैं एक ही चीज के पीछे, दैट इज कंटेंट और प्यार, सपोर्ट, इज्जत, जो कि आप लोग नहीं करते हो। हम लोग जरूर देंगे आप लोग को इज्जत। दिस इज वॉर, जंग शुरू है, दिस इज वॉर। बंदे ले आ, पैन बंदे लाओ भाई, यार इसको देख यार, बातें करते हैं पैन। पहले सेलिब्रिटीज भी बहुत बोलते थे कि टिकटॉकर्स क्या है, ऐसा है वैसा है, वो पुत्र वो अब भी बोलते हैं। दिस इज वॉर एंड आई विल फाइट दिस, आई एम डन। 2,50,000 लाइक्स, इससे ज्यादा मैं कुछ नहीं मांग रहा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, महीने बाद, मजाक कर रहा हूं।
नॉट महीने बाद आई विल बी लाइक गुड, लेकिन 250,000 लाइक्स एंड आई विल इनिशिएट दिस वार, घुस के फटेंगे, बाय। ओके फ्रेंड्स, वीडियो तो हो गई एंड मुझे खुद बहुत पर्सनली बहुत लगा, ये पसंद है डकी भाई, और इनको भी सपोर्ट करो साथ में। अगर वीडियो पसंद आई तो लाइक कमेंट शेयर कर दो, चैनल को कर दो सब्सक्राइब, ताकि आपको कैरी मिनाटी का भी रिएक्शन ये इस टिकटॉकर पे मिल जाए, और दूसरा ऑसम हो मतलब खुली फैमिली का भी जो रिएक्शन है वो आपको इस चैनल पर मिल जाए। तो चैनल को फौरी तौर पर कर लो सब्सक्राइब, बेल आइकन पे कर लो क्लिक, ताकि नोटिफिकेशन आपको मिलते रहे। थैंक यू फॉर वॉचिंग, अल्लाह हाफिज।